बहुत अफसोस हुआ ये सुन के शराफत भाई। पहले जवान बेटा मर गया और अब बेटी का गम। सुनैद की मौत तो लिखी हुई थी, मगर नेहाल भाई ने अच्छा नहीं किया, खून किया मेरी मासूम बेटी और इबा का अपने जवान बेटों के साथ मिलकर। ये क्या कह रहे हैं शराफत भाई, हमें तो न्याज भाई ने कुछ और ही बताया था। तुम्हारी बेटी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ, वही तुम्हारा भांजा। अरे झूठ है, इल्जाम है सरासर। कब तक बेवकूफ बनते रहोगे तुम लोग? ऐसे पत्थर और फरेबी लोग अपने आप को बचाने के लिए मेरे जैसे मासूम लोगों पर इल्जाम धर देते हैं ताकि इनका दामन साफ रहे, ये बच जाए और हम लोग धर लिए जाए। तुम लोग बिल्कुल ठीक कहा शराफत, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तेरी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोग अपने करतूत छुपाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, जैसा तूने किया, अपनी बेटी ब्याह कर पैसा वसूल किया। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा न्याज पर? मतलब साफ है, तूने अपनी बेटी को कमान में रख कर एक तीर से दो शिकार किए, इज्जत भी बच गई और आयाशी के लिए पैसा भी मिल गया। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले शराफत, पहले भी मैंने कहा था कि मैं अपने दिल की कीमत लगा रहा हूं, अगर मेरा दिल टूटा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अपना एक एक पैसा हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। तेरे पास एक हफ्ता है, 50 लाख रुपए वसूल कर लूंगा, वरना तू जानता है मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। किसी भी हद तक